हाथी और शेर की दोस्ती। एक जंगल में बल्लू नाम का एक हाथी रहा करता था। वो अपने जंगल का राजा था और अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। पास के एक जंगल में भोलू नाम का एक शेर रहता था। जैसा उसका नाम था ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो अपने नाम की तरह बहुत भोला था। एक दिन भोलू खेलते खेलते बल्लू के जंगल में पहुंच जाता है। वाह, कितना सुंदर जंगल है। मैं तो अब यहीं रहूंगा, यहीं रहना चाहता हूँ। अचानक एक लोमड़ी भोलू को देख लेती है। अरे, एक शेर हमारे जंगल में, इसे नहीं पकड़ा तो ये हमें खा जाएगा। लोमड़ी सभी जानवरों को बुलाकर भोलू को पकड़ लेती है और एक बड़े से गड्ढे में धकेल देती है। मुझे बचाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? मेरे साथ दोस्ती कर लो। ये जंगल नया है, मगर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सभी जानवर भोलू को गड्ढे में देखकर बहुत हंसते हैं। बल्लू हंसते हुए जानवरों को देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ, गड्ढे में कौन है? सरदार, हमने एक शेर को पकड़ लिया है और उसे गड्ढे में डाल दिया है। अब हमारी जिंदगी सुरक्षित है, नहीं तो ये हमें खा जाता। भोलू लगातार चीखता रहा, चिल्लाता रहा। राजा जी, मैं भोलू हूँ। मैं तो आपके सुंदर जंगल को देखने के लिए आया था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। बल्लू बहुत ध्यान से भोलू की बातों को सुनता है और समझ जाता है कि चाहकर भी भोलू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो वो शेर मगर किसी पे आक्रमण नहीं कर रहा। भोलू कहता है, तुम एक अच्छे शेर हो। तुम इन सभी जानवरों को आराम से चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। धन्यवाद राजा जी, आपने मुझे पहचान लिया और बचाया। अब से मैं आपके यहाँ सेवादार बनकर रहना चाहता हूँ और इन जानवरों का दोस्त भी। सभी जानवर ताली बजाकर खुश होते हैं। बल्लू और भोलू मिलकर शिकारियों को जंगल में आने से हमेशा रोकते हैं और प्यार से एक साथ रहते हैं। सुनहरे शेर का घर। जंगल में राजा नाम का एक शेर रहा करता था। उसका मन बहुत प्यारा था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। था तो वो जंगल का शेर, जंगल का राजा, लेकिन कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था, बल्कि उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि राजा शेर सभी का बहुत खास ख्याल रखता था। सभी के जन्मदिन पर अच्छे अच्छे उपहार ला कर देता था और कभी भी किसी को दोष नहीं देता था, किसी को नहीं खाता था और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। इतना अच्छा राजा पाकर पूरा जंगल बहुत खुश था। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, उनका मन सोने का है। मुझे यकीन है हमेशा वो हमारी सुरक्षा यूं ही करते रहेंगे। खरगोश, हाथी, मोर, सभी जानवर हमेशा उनकी तारीफें करते रहते और जंगल में खुशी खुशी रहते। एक दिन चिड़िया आकर बंदर से कहती है, अरे बंदर, तुम्हें पता है राजा शेर का कल जन्मदिन है। वो हमारे जन्मदिन पर हमेशा कोई ना कोई इंतजाम करते हैं, सबके भोजन की तैयारियों में लग जाते हैं। हमें भी उनके जन्मदिन पर कुछ खास आयोजन करने चाहिए। ये तो तुम ठीक कहती हो, मैं सभी से बात करके आता हूँ। बंदर अपने दोस्तों के पास जाकर ये बात करता है। सभी उसकी बात मान जाते हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार राजा हमारी देखभाल कर रहा है, हमें ऐसा राजा कभी नहीं मिलेगा। कल उनका जन्मदिन है। चिड़िया बिल्कुल ठीक कहती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सभी जानवर राजा शेर के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे राजा खुश हो जाए? अरे देखो देखो,
ध्यान से देखो राजा की गुफा कैसे टूट फूट गई है। रात में जब राजा जी सो जाएंगे हम आकर उनकी गुफा को रंग कर देंगे और उसकी मरम्मत भी। ये बात बिल्कुल सही है, क्यों ना हम इसे सुनहरे रंग का कर दें? राजा का मन भी तो सोने जैसा है। सभी जानवर इस बात पर राजी हो जाते हैं और रात के अंधेरे में चुपचाप राजा की गुफा की मरम्मत करते हैं और उसका रंग सुनहरा कर देते हैं। अगले दिन जब राजा उठता है तो वो अपनी नई गुफा को देखकर हैरान रह जाता है। वाह, इतनी सुंदर, क्या ये मेरी गुफा है? सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और राजा को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। राजा यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और सबका धन्यवाद करता है। गर्भवती घोड़ी। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहा करता था। उसके पास एक घोड़ी थी। रमेश अपनी घोड़ी को एक छोटे से तबेले में रखता था। घोड़ी उस समय गर्भवती थी। वह हमेशा अपने बच्चे के बारे में ही सोचती रहती थी। ओ मेरा बच्चा, तुम जल्दी ही इस दुनिया में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ खूब सजावट और साफ सफाई करूंगी। घोड़ी हर वक्त अपने बच्चे के बारे में सपने देखती रहती, लेकिन उसके सपने सपने ही रहते थे। वह तबेला बहुत गंदा था और कीचड़ से भरा हुआ था। घोड़ी मन ही मन अपने तबेले को साफ करने के बारे में सोचती, मगर कभी उसे साफ नहीं कर पाती थी। मेरे बच्चे, मैं जरूर तेरे लिए ये तबेला साफ करूंगी, बहुत खूबसूरत बना दूंगी। घोड़ी दिन प्रतिदिन आलसी होती जा रही थी। दिन भर वो सोती रहती और अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर सपने बुनती रहती। एक दिन घोड़ी का भाई उसे मिलने के लिए आता है। अपनी बहन के तबेले की हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। मेरी बहन, तुम्हारा बच्चा होने वाला है और तुम्हारा तबेला कितना गंदा है, कहीं उसे कोई बीमारी हो गई तो? ये तुमने क्या किया? दिन भर तुम बस तबेले में पड़ी रहती हो, खाती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं। रमेश कितना अच्छा है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम्हें भी थोड़ी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। घोड़ी अपने भाई की बात सुन हैरान हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मैं अपने बच्चे की रक्षा के सपने देखती हूँ, लेकिन कभी उसे अमल नहीं करती, माफ कर दो मुझे। दोनों भाई बहन अगले ही दिन से तबेले की सफाई में लग जाते हैं। उन्हें ऐसा करता देख रमेश भी उनकी खूब मदद करता है और तबेले को एकदम साफ कर देते हैं। अब गर्भवती घोड़ी अपना खूब ख्याल रखती है, सफाई में कोई ढील नहीं बरतती। कुछ दिनों बाद उसे एक प्यारा सा घोड़ा बच्चा होता है और वो बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, मैंने अपनी भूल को तुम्हारे आने से पहले ही सुधार लिया। अब कभी आलस नहीं करूंगी, सपने भी देखूंगी और इसे अमल भी करूंगी। तो हमेशा खुश रहो। घोड़ी अपने भाई को धन्यवाद देती है और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। खरगोश और कुत्ते की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शिकारी कुत्ता रहता था। वो बहुत होशियार था। वो अकेला था, इसीलिए हमेशा जंगल में इधर उधर टहलता रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए खरगोश के बच्चों का उसे एक झुंड दिखाई दिया जो अपनी मस्ती में खेल रहा था। खरगोश अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था, इसीलिए वो कुत्ता उन खरगोश के बच्चों के पास जाकर बैठ गया ताकि कोई और जंगली जानवर आकर उन बच्चों को खाना ले। जब वो खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि एक जंगली कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है और उसके सारे बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं और वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा रहा। उसके बच्चों को आराम से बैठकर देख रहा है, जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो। ये सब देखकर खरगोश को बहुत संतुष्टि हुई
और वो कुत्ते के पास गया और उसका हाल चाल पूछने लगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। ये तो मेरा फर्ज था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी खरगोश को अकेला जाना होता तो वो कुत्ते को उसके बच्चों की रखवाली के लिए कह देता। कभी कभी कुत्ता आसपास के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन चालाक लोमड़ी ने ये सब देख लिया और उसने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये तो बड़े मोटे ताजे खरगोश के बच्चे हैं। इनको खाने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन इन बच्चों के साथ ये कुत्ता क्यों बैठा है? ये तो शिकारी है, क्या ये इनका दोस्त है? उसने धीरे धीरे कुत्ते से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अब कुत्ता जब भी खरगोश के साथ बाहर जाता तो चालाक लोमड़ी पीछे से आकर खरगोश के बच्चों को उठाकर ले जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे। तब खरगोश ने कुत्ते से इस बारे में बात की। दोस्त, हमारे बच्चे रोज कम होते जा रहे हैं। लगता है उन्हें कोई उठाकर ले जाता है, उनका शिकार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, कल से शिकार पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत की हमारे बच्चे उठा सके। कुत्ते ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन वो शिकार पर ना जाकर खरगोश के घर के पीछे छुप गया। इतने में उसने देखा कि जब बच्चे खेल रहे थे, वहाँ लोमड़ी आकर बच्चों को उठाकर ले जाया करती है। उसने ये सब देखा और उसी वक्त लोमड़ी को मार डाला। लोमड़ी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम इतनी धोखेबाज निकली। तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता, तुम्हें तो मरना होगा। इस तरह खरगोश के बाकी बच्चों की कुत्ते ने हिफाजत की और अपनी दोस्ती को साबित किया।